हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी क्रिएटिव पॉइंट। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट स्मूथी। इसके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ सम फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड बनाना और कुछ चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नीड कोकोनट मिल्क, बट मैं कोकोनट मिल्क मार्केट का प्रेफर नहीं करती हूँ। मोस्टली मार्केट के कोकोनट मिल्क में प्रिजर्वेटिव होते हैं, एडेड शुगर होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज कोकोनट मिल्क घर पे रेडी कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि कोकोनट मिल्क घर पे कैसे रेडी किया जा रही हूँ। कोकोनट, 1 कप ऑफ कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट विच यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम सुपर मार्केट, एंड 1 कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमारा कोकोनट मिल्क रेडी है, अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे। आप इसको कॉटन क्लॉथ में भी डाल के अच्छी तरह से स्क्वीज कर सकते हैं। ये हमारा थिक मिल्क रेडी हो चुका है। जस्ट विद इन 1 मिनट हमारा मिल्क रेडी हो गया। आप ये देखिए, हमारा कोकोनट मिल्क रेडी हो चुका है और ये कोकोनट मिल्क बहुत हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। ये कोकोनट मिल्क में इंक्रीजेज द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीजेज द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये डिक्रीज करता है और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। सो इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ। तो आपको ये लेना चाहिए, दोज हु आर वेगन उनके लिए तो बहुत अच्छा है। स्मूथी रेडी है और मैं इसको ग्लास में डाल रही हूँ। देखिए कितने फाइन है। हम लोग कट किया स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करेंगे लाइक दिस, और इसके ऊपर हम लोग श्रेडेड चॉकलेट डालेंगे। इफ यू डोंट हैव चॉकलेट चिप्स घर पे, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कैसी भी चॉकलेट्स होंगी ना, उनको लेके आप घर पे ब्रेक करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये स्मूथी एवरी एज ग्रुप के लिए है, बट मेरी डॉटर इसे बहुत पसंद करती है। मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और मैंने स्मूथी रेडी कर ली है और इस स्मूथी को मैं असली को देने जा रही हूँ और उससे पूछती हूँ कि स्मूथी कैसी बनी। अस्पी वहाँ बैठी हुई है। हाय, देखो मैं क्या लाई आपके लिए, स्मूथी। या टेस्टिंग, वाओ इट्स सो प्रीटी। स्ट्रॉबेरी, यप। बहुत टेस्टी है, यम्मी। बनाना, यप। Very nice. And if you did, don't forget to like, share, comment, and subscribe to our channel, which is RV Creative Point.